नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर आप सभी भाइयों बहनों का जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है उसका जो है कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है, जो है इसकी वैकेंसी कितनी है, साथ में ये भी बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सा है और इसमें जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, जो है इस बार आपका एज लिमिट जो है वो क्या है, तो इस सब चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों जो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है दोस्तों, ये आपका 14 सितंबर से आपका 13 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग करने का डेट है। इसके बाद आपको दो दिन जो है 14 और 15 अक्टूबर को इसमें अगर आप फीस पेमेंट नहीं किए हो तो उसके लिए दिया जाएगा। फिर 16 से 25 सितंबर जो है अक्टूबर जो है उसमें आप दोस्तों कोई भी करेक्शन, कोई अगर आप मिस्टेक कर दिए हो फिर फॉर्म फिल करने में तो उसको करेक्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वैकेंसीज कितना है, दोस्तों वैकेंसी इसमें 8113 जो है टोटल वैकेंसीज हैं। इसमें 5 तरीके की पोस्ट निकला है जिसमें कि एक तो है कॉमर्शियल क्लर्क कम सुपरवाइजर का, दूसरा है स्टेशन मास्टर, तीसरा है गुड्स गार्ड, चौथा है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और पांचवा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। दोस्तों जो ऊपर वाला दोनों पोस्ट है दोस्तों वो है लेवल 6 का और नीचे वाला जो है वो लेवल 5 का है। दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग बात करें एज लिमिट का, तो एज लिमिट इसमें दोस्तों 18 से 36 वर्ष रहने वाला है। जो 2007 से पहले 1989 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओबीसी में 3 साल की और एससी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि इसमें फीस कितना रहने वाला है, तो फीस दोस्तों जो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों 500 है, जो कि CBT 1 देने के बाद आपका 400 जो है रिफंड हो जाएगा। वहीं पे जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं वुमेन महिला कैंडिडेट हो गए, किसी भी वर्ग का हो, SC ST हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों 250 रुपये है जो कि आपको CBT 1 देने के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें दोस्तों CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल, फिर DV होगा, फाइनली आपको मेरिट लिस्ट मिलेगा। तो CBT 1 दोस्तों इसमें 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें एक सही के लिए 1 मार्क्स और एक अगर गलत करते हैं तो 1/3 जो है आपका निगेटिव होगा। इसके बाद अगर हम CBT 1 में आपका मैथ और जो रीजनिंग है वो 30-30 नंबर का होगा और GK GS 40 नंबर का होगा। CBT 2 दोस्तों इसमें आपका टोटल जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट में, आपका जो सही के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 1/3 निगेटिव इसमें भी है, और इसमें क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेक्शंस वाइज थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है। जैसे मैथ और रीजनिंग में 35-35 क्वेश्चन रहेंगे और GK GS में दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको इसमें रहेंगे। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ी स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि टाइम जो है उतना ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अगर स्किल की बात करें तो स्किल दोस्तों CBT 1 और CBT 2 जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए कॉमन है। इसके अलावा जो स्टेशन मास्टर हैं उनके लिए जो है साइको टेस्ट होता है और जो जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट हैं और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी गुड्स गार्ड और जो सुपरवाइजर की पोस्ट हैं उसमें आपको किसी तरीके का टेस्ट नहीं होगा। CBT 2 बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो CBT 2 में आपका जो है जितने ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर लोगे उतना आप सेफ रहोगे अगर आप चाहते हो कि हम सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जॉब करें तो। अगर इसके बाद अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए जो है आपको A2 में मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए जिसमें कि डिस्टेंस विजन आपको 6x9 होनी चाहिए बिना चश्मे का, और इसके साथ साथ आँख में कोई सर्जरी नहीं होना चाहिए, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट विजन सही होना चाहिए। तो ये जो है क्राइटेरिया स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए है। इनके लिए जो है थोड़ी सी मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ी सी टफ होती है। अगर आपका आईसाइट गड़बड़ है तो आप जो है ये फॉर्म ना भरें।
जिसके जिनकी आई साइट में प्रॉब्लम है दोस्तों, उनके लिए जो है बाकी जो 3 पोस्ट हैं, जिसमें कि सुपरवाइजर की है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट की है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, वो पोस्ट सुटेबल है। यहाँ पे जो सुपरवाइजर वाली पोस्ट है उसमें दोस्तों B2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जिसमें कि अगर आपकी एक आँख की 6x9 है और दूसरे आँख की 6x12 है तो भी चलेगा। अगर चश्मा पहनते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपने सर्जरी करवाया हुआ है उसके लिए भी वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं कॉमर्शियल सुपरवाइजर के लिए। फिर अगर हम बात करें जूनियर अकाउंट्स और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो इसमें दोस्तों आपको C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इसमें अगर एक आँख की विजन अगर आपका 6x12 है विथ और विदाउट ग्लास फिर भी चलेगा, और आँख की सर्जरी की हुई है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसमें कलर ब्लाइंडनेस भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसकी आई साइट में प्रॉब्लम है उनके लिए ये सारी पोस्टें जो हैं, जो कॉमर्शियल की पोस्टें हैं, वो उनके लिए वो एलिजिबल रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी किए हुए हैं, जैसे BTech BE, तो वो सब सारे कैंडिडेट जो हैं इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं दोस्तों। अगर अब हम बात करेंगे दोस्तों जॉब प्रोफाइल की, जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले अगर कॉमर्शियल सुपरवाइजर की बात करें तो दोस्तों अगर आप जैसे बड़े स्टेशन पे हैं तो वहाँ पे आपको ऑफिशियल टाइप की जॉब होगी, और छोटे स्टेशन पे हो सकता है कि आपको फील्ड वर्क होगा या फिर बुकिंग क्लर्क, एज ए बुकिंग क्लर्क आपकी जॉब होगी। इसमें फील्ड और ऑफिशियल दोनों तरह की जॉब है। इसमें आपको जो जूनियर स्टाफ हैं, जैसे टिकट चेकर, टिकट क्लर्क जो हैं, उनको आपको सुपरवाइज करनी होगी, उनकी ड्यूटी आपको मेंटेन करनी होगी। साथ में आपको हो सकता है रिकॉर्ड जो है कॉमर्शियल की जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना होगा। आपको हो सकता है कि एज ए बुकिंग छोटे स्टेशन पर एज ए बुकिंग क्लर्क काम करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो पार्सल ऑफिस में आपकी ड्यूटी लग सकती है, जो गुड्स ट्रेन की जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है साइडिंग में, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो इस तरीके की आपको जॉब जो है करना पड़ सकता है कॉमर्शियल सुपरवाइजर में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टेशन मास्टर की, तो स्टेशन मास्टर दोस्तों आपको किसी एक स्टेशन पे जो है आपको ट्रेन के परिचालन से संबंधित सारे काम आपको करने होंगे। स्टेशन पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड्स हैं, वो सब आपको मेंटेन करने होते हैं। साथ में सारी स्टेशन की जो भी स्टाफ और सब स्टाफ वर्किंग है वो सब आपके अंदर में होते हैं, और उनकी अगर कोई भी कुछ भी गलती होता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है वो। इसके साथ साथ आपको ये भी एक्सचेंज देना होता है, सिग्नल देना होता है, ये सारे काम जो है एक स्टेशन मास्टर का होता है। इसके बाद अगर हम जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, तो इनका जो है DRM ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी। वहाँ पे जो है आपको 5 दिन का मंडे टू फ्राइडे जो है आपका जॉब रहेगा, और सैटरडे संडे आपकी ऑफ रहती है। इसमें जो है आपको अकाउंट से रिलेटेड सारी रिकॉर्ड्स मेंटेन करनी होती है। साथ में जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, कोई काम होता है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको रिलीज करने होते हैं। उसके साथ साथ आपको जितने भी ईयर के फाइनेंशियल ईयर में जितने इनकम और जितने एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चा होता है, और जो आमदनी होता है उसका आपको लेखा जोखा करना होता है। तो ये सारी काम जो है अकाउंट्स असिस्टेंट का होता है। अगर हम बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो ट्रेन मैनेजर का दोस्तों एक ट्रेन की सारी जिम्मेदारी जो है एक गुड्स ट्रेन मैनेजर की होती है। आपके लिए जो है एक दोस्तों ब्रेक वैन होता है, ब्रेक वैन में जो है आपको ड्यूटी लगाई जाती है। तो उसके साथ साथ अगर आपके ट्रेन डिटेंशन होता है, कोई अबनॉर्मिलिटीज होता है, तो ये सारा जो है काम आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो दोस्तों टाइपिस्ट का जो पोस्ट है उसमें आपको जो है जूनियर क्लर्क का जो है सुपरवाइज करना होता है। आपको जो कोई भी ये होता है जैसे मेल्स वगैरह आया, कोई लेटर किसी को सेंड करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस का जो जॉब होता है ये भी आपको करना होता है। जैसे ऑफर लेटर भेजना है या किसी को किसी मेल का रिप्लाई करना है, आपको रिपोर्ट बनाना होता है, और डाटा एंट्री का जॉब होता है। तो ये सारा आपको सीनियर क्लर्क का टाइपिस्ट वाले पोस्ट में आपको ये करना होता है। तो दोस्तों जॉब प्रेफरेंस आपको अगर पता चल जाता है, तो इसके लिए इससे आपको जो है प्रायोरिटी, आपका क्या प्रायोरिटी है वो आप आसानी से फिल कर सकते हो। तो इसके लिए ये जो है जॉब प्रोफाइल जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।